वहीं ग्रेटर नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा का अपहरण हुआ। बदमाशों ने अपहरण कर गाड़ी में डालकर मौके से फरार हुए। परिवार वालों पर NH 91 रोड पर जाम लगा दिया है। परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बादलपुर थाना क्षेत्र के सादोरपुर झाल में NH 91 पर जाम लगा दिया है परिजनों ने, और इसके साथ ही परिजन जमकर हंगामा कर रहे हैं। परिजनों की मांग है कि बच्ची का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। तो ग्रेटर नोएडा पर यह पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा का अपहरण किया गया। बदमाशों ने अपहरण कर गाड़ी में डालकर मौके से फरार हुए। इसके बाद परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द छात्रा का पता लगाया जाए, और वहीं पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में जांच जारी है। पड़ताल के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि पूछताछ की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजत ग्रेटर नोएडा से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, क्या कुछ जानकारी निकाली जा रही है, पुलिस का क्या कुछ कहना है, जो जिन लोगों ने अपहरण किया क्या वो बच्ची को जानते थे, ये कौन लोग थे, क्या कुछ अब तक पूरी जानकारी? जब जो एक लड़की है वो मॉर्निंग वॉक पर निकली, उसी दौरान कुछ गाड़ी सवार आती है, उसे जबरन कार में बिठाकर उसे अपहरण करके ले जाते हैं। हालांकि जो मामला है वो आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, और जो अपहरण करता है कोई जानकारी है। अब परिजनों ने माने तो जो लड़की है वो ग्राम प्रधान की है, वो एनएच रजत, परिजनों का क्या कुछ कहना है? ठीक रजत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। वहीं मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि पहले से ही रंजिश के चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, और लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जबकि परिजन हंगामा कर रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर परिजनों ने जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द छात्रा का पता लगाया जाए।